खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 5 सालों में जो कार्य पूरे नहीं किए, उन्हें हमने 3 महीने में पूरा करके दिखाया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि पीएम आवास और महतारी वंदन योजना का वादा पूरा किया गया है और किसानों को भी बकाया बोनस दिया है। सीजीपीएससी में घोटाला करने वालों की जांच के लिए आयोग को गठित किया गया है। दिन पूरा होते हुए ही और जैसा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया था, भारतीय जनता पार्टी ने सुनिश्चित किया था कि सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री जी जब तक अपने आवास में नहीं जाएंगे, जब तक कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो गारंटी की योजना है प्रधानमंत्री आवास, जो गरीबों के लिए सुनिश्चित की गई थी और जो विगत 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार में उसको बाधित करने का प्रयास किया गया था, जब तक मैं इस काम को पूरा नहीं करूंगा तब तक मैं मुख्यमंत्री आवास में नहीं जाऊंगा। आज 100 दिन पूर्ण हुए हैं, उन्होंने सारे काल मोदी जी की गारंटी की योजना और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है पहले ही कहा। हमारी सरकार में प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसी वाक्य को चरितार्थ करते हुए और वे सारी तमाम घोषणाएं 24,25,000 करोड़ से भी ज्यादा हितग्राहियों के खाते में, चाहे वो 2 वर्ष के बकाया बोनस का पैसा देने का हो, चाहे अभी कल जो अंतरराशि हुआ है 917 रुपए देने का हुआ हो, चाहे हमारे महतारी वंदन योजना का हो, कल भी 13,300 से ज्यादा किसानों के खाते में एक मुश्त पैसा गया, एक मुश्त, कोई किस्त का मामला नहीं है।